यस, सो अब हम लोग बढ़ चले हैं एक नए सफर की ओर, और आज हम लोग नेत्रहाट जा रहे हैं। आज दिन है 24 नवंबर और आज हमारा स्टे है नेत्रहाट में। अभी हम लोग निकल चुके हैं रांची से और अभी हम लोग पहुँचे हैं धरवा डैम के पास, और यहाँ से हम लोग लावा पानी होते हुए हम नेत्रहाट की ओर जाएंगे। लावा पानी रिंग रोड, मतलब धरवा वाला रिंग रोड के साइड से अप्रॉक्स 130 किलोमीटर है। लावा पानी विजिट करके हम लोग फिर नेत्रहाट की ओर जाएंगे। नवंबर का समय है और यहाँ पे धान की कटाई हुई है, और यहाँ पर एक माउंटेन है जो बहुत ही सुंदर एलिफेंट शेप का है। सो अभी हम लोग लोहरदगा पहुँच चुके हैं, बॉक्साइट नगरी लोहरदगा, और यहाँ से हम लोग लावा पानी वाटरफॉल है, यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लगता है कि हम लोग कसोल की वादियों में हैं और ब्यास नदी के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। और आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे झारखंड में एक जगह है, वो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट। तो ये है केकरांग वाटरफॉल जो लावा पानी के रास्ते में पड़ता है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। अब हम लोग बढ़ चले हैं लावा पानी की ओर। अब हम लोग लावा पानी वाटरफॉल के प्रेमिसेस से पहुंच चुके हैं। So here we arrived the लावा पानी वाटरफॉल।
लोग लावा पानी वाटरफॉल से निकल चुके हैं एंड थोड़ी भूख भी लगी है, तो रोहित यहाँ बाहर निकल कर बॉयल एग ले रहे हैं। थोड़ी सी भूख मिटा कर अब हम लोग निकल चले हैं नेदर घाट की ओर, और हमने लावा पानी वाटरफॉल भी बहुत ही इंजॉय किया। ये बहुत ही पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे बच्चे भी अच्छे से वाटरफॉल को इंजॉय कर सकते हैं। से काफ़ी लंबा सफ़र तय किया, लावा वाटरफॉल होते होते हमने फाइनली 7:30 तक हम नेदरहाट पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ से अपने होटल की ओर जा रहे हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर देखते हैं उसके बाद। सो आज हमारा स्टे है यहाँ पे होटल रवि एंड शशि। नजारा है रात में नेत्रहाट लेक का।